नमस्कार। किसी के घर में एक से ज़्यादा विद्यार्थी हो तो सभी का पंजीयन आप एक ही नंबर से कैसे कर सकते हैं? और यदि पहले से किसी एक विद्यार्थी का पंजीयन हो गया हो तो शेष विद्यार्थी का नाम पहले से पंजीकृत विद्यार्थी के साथ कैसे जोड़ें ताकि सबका पंजीयन हो जाए? तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से सीजी स्कूल पोर्टल पर आ जाना है। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से सीजी पोर्टल को ओपन कर लिया हूँ, इस प्रकार दिखाई देता है। तो सबसे पहले यहाँ विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन और पासवर्ड भूल गया ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से हमें जाना है विद्यार्थी पंजीयन पर। इसे मैंने जैसे ही प्रेस किया तो इस प्रकार ओपन होकर के आ गया। तो सबसे पहले हमें शिक्षा का प्रकार चुनना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्कूल शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, तो स्कूल शिक्षा को टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिखने के पश्चात यहाँ पर नाम खुशबू, खुशबू आठवीं कक्षा में है तो इसे हम इस प्रकार लिख देंगे, क्लास एट्थ, और कोष्ठक में ऐसे बंद कर देना है। उसके पश्चात इसी में दूसरा बच्चा का नाम लिखने के लिए कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद दूसरा बच्चा का नाम लिखेंगे, भावेश, फिफ्थ क्लास में है, फिफ्थ, इसमें भी कोष्ठक लगा देना है। तीसरा बच्चा का नाम लिखने के लिए जैसे कि रानी, सेकंड क्लास में है, क्लास सेकंड, और इसे भी कोष्ठक में बंद कर देना है। तो एक से ज़्यादा बच्चों का नाम इसी प्रकार लिखना है। बच्चा का नाम लिखना है और बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ता है उसको कोष्ठक में लिखना है। फिर नेक्स्ट बच्चों का नाम लिखने के लिए कॉमा लगाते जाना है। उसके बाद यदि ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भर देना है, नहीं है तो छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर ज़िला चुन लेना है, जैसे कि बेमेतरा ज़िला। उसके बाद यहाँ पर अपने स्कूल का पता लिखना है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टेढ़ी, ब्लॉक साजा, और यहाँ पर अपना पासवर्ड चुन लेना है। तो पासवर्ड आप अपने मोबाइल नंबर को ही बना सकते हो या फिर कोई अदर पासवर्ड भी बना सकते हो। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर पंजीयन करे को प्रेस करना है। पंजीयन करे को मैंने जैसे ही प्रेस किया तो एक नोटिफिकेशन आ गया, विद्यार्थी की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई है, विद्यार्थी का लॉगिन बन गया है, ओके। उसके बाद जिस नंबर से आप पंजीकृत हुए थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड लिख करके लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन किए तो इस प्रकार उस बच्चे का प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, वेलकम खुशबू एट्थ, भावेश फिफ्थ, रानी सेकेंड। तो इस प्रकार आप एक से ज़्यादा बच्चों का पंजीयन एक साथ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि पहले से कोई विद्यार्थी पंजीकृत है और उसके साथ एक दो बच्चा हमें उसे और ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हमें जाना है मेनू के ऑप्शन पर, उसके बाद विद्यार्थी के कार्य, फिर विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन, उसके बाद यहाँ पे और नाम जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पे कॉमा लगाना है और नाम जोड़ देना है, राजेश, फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट, कोष्ठक बंद। उसके बाद बाकी और कुछ नहीं करना है, सीधा पंजीयन करें। पंजीयन करें को जैसे ही हम टच करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन आ गया कि लॉगिन अपडेट हो गया है, ओके करेंगे। ओके किया तो इस प्रकार पुनः डैशबोर्ड आ गया। तो यहाँ पे वेलकम खुशबू भावेश रानी, लेकिन राजेश नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनः हमें लॉग आउट होके लॉग इन होना है। अब यहाँ पे देखिए चारों बच्चों का नाम एक साथ आ रहा है, वेलकम खुशबू भावेश रानी राजेश। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से एक से अधिक बच्चों का पंजीयन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।